सब लोग लगा लो भैया, बार बार नहीं बैठ होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बना पाठशाला से पढ़ के आए हैं और के झूठ को झूठ के अलावा कुछ करते हैं स्कूल रामगोपाल यादव उनकी पार्टी सांप्रदायिक जातिवाद और परिवारवाद की पाठशाला से निकली हुई है और ये विनाश की राजनीति करने वाले लोग हैं और ये लूट आतंकवाद भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग। भैया आपने कहा जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच अब मैच है, कौन पाकिस्तानी है कौन हिंदुस्तानी है? देखो हमने कहा था कि मैच रोचक होना चाहिए, अगर तेज प्रताप लड़ते तो मैच होता भारत और नेपाल के बीच में, अब मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में तो स्वाभाविक है कि वर्ल्ड कप में हमेशा भारत जीतता है। भारत कौन है, पाकिस्तान कौन है? स्वाभाविक है, हमारी सोच भारतीय है, हम लोग इनकी सोच पाकिस्तानी। पाकिस्तान माने कोई देश नहीं, पाकिस्तान माने सोच आतंकवाद भ्रष्टाचार बेईमानी नफरत लूट, तो ये इस प्रकार की सोच है, तभी तो माफिया के घर जाते हैं। माफिया घर पर जाकर कब्र पर फातिया पढ़ते हैं, क्यों जाते हैं भैया? चौथी बार आप जनता के बीच में आ रहे हैं लोकसभा चुनाव में? नहीं जी, जनता का आशीर्वाद मुझे मिला था और चूंकि ये लड़ाई कन्नौज का नाम बाहरी की है और मैं कन्नौज से हूँ, कन्नौज अपना घर मानते हैं, कन्नौज मेरा घर है भैया, ये घर और गढ़ की लड़ाई है।